हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सीमा और मैं आज प्याज के पकौड़े बना रही हूँ, तो सोची आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर आप मेरे वीडियो को नया देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें और कमेंट लाइक ज़रूर करें। ये प्याज के पकौड़े थोड़ा अलग मैं बनाऊंगी आज, इसीलिए सोची आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि ये इसमें मैं ऐसे बनाऊंगी, इसमें कच्चापन नहीं रहेगा अंदर। तो इसके लिए मैं ये प्याज ली हूँ, मैं इसको बारीक काट ली हूँ और ये अजवाइन ली हूँ और ये हरी मिर्च बारीक काट के ली हूँ, ये बेसन ली हूँ जितना यूज आएगा और ये नमक ली हूँ टेस्ट के हिसाब से। तो मैं इसको मिक्स करती हूँ अब। तो पहले मैं अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। फिर उसके बाद ये अजवाइन डाल रही हूँ। फिर मैं ये बेसन डाल के इसको मिक्स करूंगी। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालें और ऐसे मिक्स करें, नहीं तो ये गीला हो जाएगा तो अच्छा नहीं बनेगा। इसमें जैसे मैं पानी डाल रही हूँ वैसे ही थोड़ा थोड़ा पानी डालें, क्योंकि ये ज्यादा गीला हो जाएगा अगर आप ज्यादा डाल देंगे एक बार में। तो अभी मैं इसमें ये हरी मिर्च नहीं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बच्चे के लिए भी बनाना है, तो बच्चे नहीं खाते हैं तीखा, तो इसीलिए मैं बाद में इसको मिक्स करूंगी इसमें। पहले बच्चे के लिए मैं निकाल लूंगी साइड में, फिर मैं उसमें ये मिक्स करूंगी। ये देखिए मैं ऐसे इसको मिक्स की हूँ और अब मैं इसमें हरी मिर्च डाल रही हूँ। अब मैं इसको ऐसे मिक्स कर देती हूँ, अगर आपको बेसन कम लगे तो बाद में डाल सकते हैं। इस तरह से आप इसको मिक्स करें, बहुत अच्छे से मिक्स करें। मैं यहाँ पे फ्राई पैन यूज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये कढ़ाई मैं इसीलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा डीप रहता है, तो इसमें अच्छे से आता है ये पकौड़ा। अब ये गर्म हो गया, मैं इसमें ये सरसों का तेल ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो रिफाइंड भी यूज कर सकते हैं। मैं इसको अच्छे से हीट होने देती हूँ, फिर मैं उसमें ये पकौड़े डालूंगी। मैं इसको ऐसे सर्कल सर्कल गोल गोल जैसे बना रही हूँ। मैं इसमें कम ही पकौड़े डाली हूँ, क्योंकि इसको पलटने में आसानी होती है। अब मैं इसको पलट देती हूँ, क्योंकि ज्यादा मुझे इसको रोस्ट नहीं करना है अभी। तो इसको मैं अभी दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा इसको सॉफ्ट करूंगी। ये देखिए मैं इसको अभी निकाल लेती हूँ। मैं उस पकौड़े को निकाल ली हूँ, क्योंकि मुझे उसको बाद में फिर से सीखने के लिए देना है, तो ऐसे मैं निकाल लेंगे ना तो ये कच्चापन इसका निकल जाता है, इसलिए हम दो दो बार इसको सेकेंगे। फिर मैं उसी तरह इसको भी डाल देती हूँ। अभी मैं बच्चों के लिए साइड में निकाल के रख ली हूँ, मैं बाद में बनाऊंगी उसके लिए। ये देखिए इसको मैं इस तरह से ऐसे पतला कर दूंगी। ये देखिए कितना पतला लग रहा है देखने में। मैं सभी को ऐसे ही कर लूंगी। ऐसे करने से ये इसका कच्चापन ये इसमें नहीं रहता है। थोड़ा गर्म में ही करें, ठंडा होने के बाद ये नहीं होगा। अब मैं एक एक करके इसको इसमें डाल दूंगी और गोल्डन होने तक इसको मैं फ्राई करूंगी। अभी मैं इसको पलट के चेक करती हूँ, ये हुआ नहीं है अभी, लेकिन मैं इसको एक तरफ पलट देती हूँ, फिर से मैं इसको दूसरी तरफ फिर से पलट के सीखूंगी।
जब आप ये कढ़ाई में डालें तो इसको आपको फ्लेम को धीमी रखनी है, क्योंकि नहीं तो ये जल जाएगा। फिर ये आपका ये पत्ती, ये आप ऐसे इसको नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए आपको फ्लेम धीमी रखनी है, तब आपका ये पकौड़े अच्छा बनेगा और क्रिस्पी बनेगा। ये देखिए कितना गोल्डन, ये अच्छा कलर आया है इसका, और ये हो गया है, ये बहुत क्रिस्पी बना है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ एक एक करके। प्लीज आप ट्राई करके जरूर देखना, बहुत अच्छा बनती है ये। और मैं इसमें कुछ ज्यादा सामान भी यूज नहीं की हूँ, फिर भी ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। आप एक बार ट्राई करके जरूर देखना। फिर मैं इसी तरह ये दूसरे पकौड़े को भी इसमें ऐसे ही फ्राई कर लूंगी। एक बार आप ट्राई करके जरूर देखना, और अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट जरूर करना प्लीज। फिर मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।